सरकार की तरफ से सदन में पेश किए गए श्वेत पत्र के जरिए एक ओर जहां बीजेपी कांग्रेस को चोट देने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सदन में श्वेत पत्र पेश करने पर मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि श्वेत पत्र में नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र नहीं है। जिन मुद्दों पर श्वेत पत्र निकालना चाहिए था वो मुद्दे हैं ही नहीं। ये व्हाइट पेपर में नोटबंदी का जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो ये व्हाइट पेपर किसके निकाला गया है? जिस मुद्दों पर व्हाइट पेपर निकालना चाहिए, बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना, हमारी सीमाओं पर जो तनाव है उस पर हम व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, उस पर चुप्पी। मणिपुर में पिछले 9 महीने से क्या हुआ है उस पर व्हाइट पेपर मांगे हैं, उस पर चुप्पी। हमने पहले नोटबंदी पर व्हाइट पेपर मांगा था, उस पर भी चुप्पी थी। जो 45 साल में बेरोजगारी बढ़ी है उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं, उसका व्हाइट पेपर में जिक्र ही नहीं है। तो ये व्हाइट पेपर एक इवेंट है, ये इवेंट मैनेजर है ना, अडवाणी जी ने कहा था नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर, ये एक इवेंट इन्होंने कर दिया है आखिरी दिन सत्र का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का। पर इस व्हाइट पेपर का जवाब हमारे ब्लैक पेपर में है, 10 साल अन्याय काल, जो 10 साल की हकीकत है। प्रधानमंत्री अमृत काल की सुनहरी सपने सबको दिखा रहे हैं, पर हकीकत 10 साल अन्याय काल का है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बड़ा मुखर रहे हैं। देखिए व्हाइट पेपर पर चर्चा होगी, पर जो भ्रष्टाचार पर जो चुप्पी इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो असली मुद्दे हैं, लोगों के असली मुद्दे हैं, किसान पर अन्याय, नारी अन्याय, युवा अन्याय, श्रमिकों का अन्याय, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनियां की बेच हो रही, जो बिक रहे हैं वो, और किन कौन खरीद रहा है, एक दो उनके चुने हुए दोस्त खरीद रहे हैं, बंदरगाहें प्राइवेटाइज हुए हैं, हवाई अड्डे का निजीकरण हुआ है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, इस्पात कारखानों का निजीकरण हो रहा है, तेल के रिफाइनरियों का निजीकरण हो रहा है। तो ये पब्लिक सेक्टर अगर आप बंद करेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर कहाँ से आएंगे? राहुल जी, पेपर लेड इन द पार्लियामेंट हाउस बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, बट वेयर ब्लैक पेपर यू विल गो टू? ब्लैक पेपर वी आर टेकिंग टू द पीपल, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी यही तो मुद्दे उठा रहे हैं, और कल ये ब्लैक पेपर खड़गे जी ने जो रिलीज किया है, 10 साल अन्याय काल, समाज के हर वर्ग पर अन्याय हुआ है, मध्य वर्ग पर अन्याय हुआ है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए अन्याय नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ 2 या 3 पूंजीपति हैं जिनको फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।